हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं DSSBTGT मैथ्स की तैयारी। तो इसी तैयारी के लिए हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एलजेब्रा, जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 1 वीक। वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और अभी हम उसमें एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे आज हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, मीन्स क्वेश्चंस करने हैं। और मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ करवा दी थी, उन्हीं आइडेंटिटीज़ को पहले हम रिवाइज़ कर लेंगे, फॉर्मूलाज को रिवाइज़ कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और अगर हम बात करें एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की, देन इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जो बात यहाँ याद करने की है, यू हैव टू रिमेम्बर, इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एक माइनस का चेंज आएगा। ऊपर जो था वो प्लस था, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, इट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये जो आइडेंटिटी है, इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि इक्वल है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जहाँ पे ए और बी जो हैं वो हमारे अक्सर नंबर्स रहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जहाँ पे पहले टू नंबर्स थे, टू टर्म्स थी, वहाँ पे अभी हमारे पास है 3 टर्म्स। तो एक्स प्लस वाई की जगह ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट बंद करने के बाद इसका होल स्क्वायर है। तो जब हम इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इनकी पेयरिंग कर देनी है, एक्स और वाई की, वाई और जेड की, एक्स और जेड की, 2 साथ में लगाना ही है। तो जैसे कि यहाँ था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इसका अक्सर यूज़ होता रहता है। ये मैंने इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये बनता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसका एक और फॉर्म भी होता है, वो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होने पे हम राइट करेंगे। अभी है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो जो कि इक्वल है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई के। ओके, नेक्स्ट एक बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी बट रियली इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है, इट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि इक्वल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ऑलराइट, ये 8 आइडेंटिटीज़ हमने की थी। इससे रिलेटेड और भी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, जो जहाँ यूज़ होंगी मैं आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में और न्यू आइडेंटिटीज़ के बारे में बता दूँगी। अब इसके सिवाय आपको एक और बात बतानी है कि सिर्फ आइडेंटिटी को ओपन करना ही हमारा पर्पस नहीं होता है। आइडेंटिटी हमें ओपन फॉर्म में, खुले में भी मिल सकती है, और हमें क्या करना होगा, उसको वापस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके भी क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। इसके भी क्वेश्चंस हम आज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 100+3 मल्टीप्लाई बाई में 107, तो हमें ढूंढना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हुई है। तो हमें ध्यान से इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सिर्फ। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, इसमें कॉमन क्या हो सकता है। देखिए ये है 103, मीन्स 103 एंड 107, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 100+3 मल्टीप्लाई 100+7। तो यहाँ से अगर मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊँ, अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है इट इज़ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसका आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें पता चलता है कि यहाँ से एक्स की वैल्यू है हमारे पास 100, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 7। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा,
एक्स का स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 3 + 7 इट इज 10x प्लस नेक्स्ट है ए बी मीन्स ए एंड बी की मल्टीप्लाई 3 × 7 = 21। यहाँ पे मैंने x छोड़ दिया, x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 100, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 10 × 100 करके हमारे पास आ जाएगा 1000 और ये 100 का जो स्क्वायर होगा इट इज 40 हियर विथ 1 मीन्स 10000 प्लस 21। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, देखिए यहाँ हम पुट कर लेते हैं 1000 और 21, तो इनको ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा 12011। सो दिस वुड बी योर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है, और अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज देखिए, फैक्टराइज का मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमेशा आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी इन द प्योर फॉर्म। हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी जो हमने ओपन की थी, जो ओपन एक्सप्रेशन है वो हमें मिल जाएगा, और हमें उसको वापस आइडेंटिटी में चेंज करना होगा, मीन्स हम क्या कहेंगे उसको, फैक्टराइज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास 9x² y² and 6xy है, तो इस आइडेंटिटी को देखकर हमें ये पता चलता है क्लियरली कि यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होगी उसमें भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ऑल राइट, स्क्वायर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 terms हैं और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक होल स्क्वायर की फॉर्म में, लाइक 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर आपको दिया ही हुआ है, तो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x² प्लस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ है वाई, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वाई का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे इसका यूज़ करेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले देखिए 2 × ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो भी क्वांटिटी आई यहाँ पे उसको हम क्या मान लेंगे, ए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करने के लिए, या फिर एक्स के मान लेंगे 3x के लिए, मल्टीप्लाइड बाय में यहाँ पे वाई का होल स्क्वायर है तो हमें क्या लेना है, वाई, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए। ऑल राइट, तो ये क्या बना, 6xy को हमने लिख दिया 2 × 3x / y, 2ab। अब देखिए हम इसको कंपेयर करते हैं, हम इसको ऐसा सोच सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3x, b की वैल्यू क्या आ गई, y, ओके, तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने 3x फाइंड आउट की, b की वैल्यू y फाइंड आउट की, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर है, ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, एग्ज़ाम में भी आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं एक और क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 4y² है तो यहाँ से 2y है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्लस के साइन का, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का था तो यहाँ पे भी इट मीन्स हमारे पास क्या है, प्लस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 2y है इसको मैंने यहाँ राइट कर दिया, और ये प्लस 1 का है उसको भी मल्टीप्लाई में राइट कर दिया, तो जब कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है अगर हम कंपेयर करें, इट इज़ 2y, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो आइडेंटिटी जरूरी नहीं कि हम ऐसा कहें कि x + y का होल स्क्वायर होगा, x² + y² + 2xy होगा। अब क्योंकि यहाँ पर
एक्स और वाई में चल रहे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आइडेंटिटी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी वही रहने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड बेसिक आइडेंटिटी पे है, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय में 100। ओके, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए टू ही टर्म्स हैं, तो ध्यान से हमें आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी फिर से, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये वो तो ठीक है, बट यहाँ पे बाय में 100 भी है, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर। ऑलराइट, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे y अपॉन 10 होल स्क्वेयर। ऑलराइट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हम इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी वही रहने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो यहां से मेरे पास क्या आया, ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेती हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स एंड बी की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई अपॉन 10। तो जब मैं पुट करूंगी यहां पर तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। आई होप ये आपको क्लियर है, नहीं है तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, और साथ में ही कुछ और जो न्यू न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रही हूँ वो भी साथ साथ करते चलिए। अब कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आ जाते हैं, लाइक देखिए 104 क्यूब। ओके, पहले हम स्क्वेयर वाला कर लेते हैं, क्यूब वाला उसके बाद करेंगे, लाइक 104 का स्क्वेयर। अगर हम 104 मल्टीप्लाई 104 करेंगे तो देखिए सीधी सी बात है कि वो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 होल स्क्वेयर। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने आइडेंटिटी बना ली, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab की फॉर्म में हम इसको ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, 100 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय में 4, तो यहाँ से ये आया 10,000 प्लस 16 प्लस 2 4 8 मल्टीप्लाई 100 800। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10,816। सो दिस इज आर आंसर, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एक्सपेंशन, तो हमें यहाँ राइट किया हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, एक्सपेंड ईच। ओके, तो इसमें से एक हम एक्सपेंड करके देखेंगे, एक ही क्वेश्चन, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कोई आइडेंटिटी हमने नहीं स्टडी की है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर से। ओके, तो इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, तो हम इसको इससे कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर किसके इक्वल था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के इक्वल। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3a, y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 7b एंड z की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस c। तो जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी सोल्व हो जाएगी, x का स्क्वेयर मीन्स 3a का होल स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर मीन्स माइनस 7b स्क्वेयर, z का स्क्वेयर माइनस c का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई y के वैल्यू क्या है, माइनस 7b प्लस 2yz 2 मल्टीप्लाई माइनस 7b मल्टीप्लाई माइनस c। नेक्स्ट हमारे पास है 2zx या 2xz, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाइड बाय में माइनस c। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व,
थ्री ए का स्क्वायर आ जाएगा 9a² माइनस 7b का स्क्वायर, इट इज प्लस 49b² बिकॉज हमें ये याद रखना है कि 7 का स्क्वायर या माइनस 7 का स्क्वायर दोनों ही क्या रहेंगे 49 प्लस 49, माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाई माइनस सी, इट बिकम्स प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट इट इज 2 3 6 6 7 42, यहाँ पे एक ही माइनस का साइन है तो ये हमारे पास आ जाएगा 42ab। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 7 2 7 जा 14, 14bc। ओके, बट यहाँ पर क्योंकि दो साइन है माइनस के तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14bc। नेक्स्ट इट इज 2 3 6 6, एंड यहाँ पे नहीं है तो इट इज़ ओनली 6। ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंगल माइनस का साइन है तो ये क्या आ जाएगा माइनस 6ac। ओके, तो इसको यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास आंसर आ गया। इनमें से कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है। आंसर हमें कैसे पता चला, क्योंकि इनमें से कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं, सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही सिंपल सा। इट इज़ 2x - y + z² और इसको कंपेयर करते हैं सेम उसी आइडेंटिटी से, बट क्योंकि यहाँ पर ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में है तो आइडेंटिटी को मैं लिख लेती हूँ a + b + c का होल स्क्वायर की फॉर्म में। इट बिकम्स a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हम होमवर्क के लिए रख लेते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो में ये करके लाइएगा। इससे सिवाय भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देती हूँ, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, जो कि 4x² + 9x² + 16z² - 12xy - 24yz - 16xz। एक और दे देते हैं, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ऑल राइट, तो ये फैक्टराइज करना है, ये भी आप करके आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।